हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेडियम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 जो कि आपके दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर उसका देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75। चलिए देखते हैं सेक्शन ए से हम पूरा इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जो कि आप सभी लोग जानते हो पैसेज आती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में रहेंगे आपकी पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इज गिविंग बिलो। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ हम। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। The scientific invention began after the industrial revolution of 1789. Within these 200 years, आपको इसको पूरा रीड करना है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। The scientific invention being after the industrial revolution of, तो इसमें हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1789, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ, तो ये रहेगा आपका पूरा, आपको इसमें पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। एन एरोप्लेन हैज अ इंजन दैट इज वर्कड बाय, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके बाद इनके पूरे आंसर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आपका अगला रहेगा वी आर लिविंग इन द, इसके बाद आपका अगला आएगा यहाँ पे था वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। आप अगर पैसेज को पूरा अच्छे से रीड करते हो तो आपको इनके सारे आंसर इसी में मिल जाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड आएगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। इसमें रहेगा जी आपकी सेकेंड पैसेज दी गई है, इसको आपको पूरा रीड करना है। इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों, पैसेज को आप रीड जरूर किया कीजिए, हो सकता है आपका यही पेपर हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाए तो आपको उससे याद रहेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, क्योंकि आप पैसेज रट तो नहीं सकते, उसके क्वेश्चन के आंसर याद नहीं कर सकते। तो आप पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आए तो आप जल्दी से कर सकें, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आपका पहला है वी आई डिड मैरी ईयर हैज़ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, तो इसका रहेगा आपका। इसके बाद आपका अगला आता है मारी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवलेड टू फ्रांस टू इंटर द सॉर्बन। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, क्वेश्चन फोर आता है आपका मैरी करीज डॉक्टोरेट बाज इन विच अकेडमिक डिसिप्लिन। इसके बाद आपका अगला रहेगा राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर। इसके बाद आपका सेक्शन भी आता है जीवी राइटिंग सेक्शन है आपका, सेक्शन ये रीडिंग सेक्शन था। इसके बाद आपका इस थर्ड में रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिविंग अ सुटेबल टाइटल, आपको टाइटल बताना है इसका और नोट बनाना है। इसके बाद आपका रहेगा, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा यू आर निशी इन अ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसके बाद आपका इसके अथवा मिलेगा आपका यू आर आरव परिहार, इस आपको एड्रेस दिया गया है नेहरू कॉलोनी देवास राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। आपको 500 रुपीज के लिए रिक्वेस्ट करना है, आपको बुक खरीदनी है। इसके बाद आपका अगला रहेगा राइट एंड एप्लीकेशन ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। आपको टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको इसे लिखना है किसी एक टॉपिक पर। एन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ शाइन्स इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज माई हॉबी। इसके बाद आपका अगला रहेगा सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन रहता है। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिविंग इन ब्रैकेट्स एनी फाइव करना है आपको। सनराइज इन द ईस्ट द हो जाएगा आपका, आई डिडंट बाय मैंगोज। इसके बाद आता है आपका ही इज इंजीनियर एन इंजीनियर वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे।
इसके बाद आता है आपका अगला, देयर इज नॉट वाटर इज द पूल। इसके बाद आपका अगला रहेगा, दे कंप्लीटेड देयर वर्क। इसके आंसर्स हम आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इनके आंसर्स पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन दिए गए, नीचे आंसर सीट भी आपको दी जाएगी जिसमें से आपको कंप्लीट भरना है इनकी। डुएट डायरेक्टिव दिए गए हैं आपको, जो भी आप जे की आपको एनी फाइव करना है। योर पेन कैन गिव मी यू, तो इसका आपका रीअरेंज करना है। इसके बाद आपका अगला रहेगा, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग व्हाट का यूज करना है। अंकित प्लेड हॉकी, इसका आपका चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में करना है। इसके बाद रहेगा आपका, दे बॉग्ड इन द डार्क, यहाँ पे आपका हो जाएगा दे वॉक्ड इन अ पार्क। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यू टेंस में हो जाएगा, अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द यूजिंग सेंटेंस, सो में आपको सो का यूज करना है। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, लिटरेचर का आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन सी लिटरेचर का रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये है आपको पूरा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ वाइंड इफ वी आर। इसके बाद आता है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू कैजुआ व्हेन सी वाज शॉपिंग। इसके बाद आपके इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, वेयर डिड एवरी वन टू स्पीड थ्रू हर म्यूजिक। इसके बाद आपका अगला रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके इस प्रकार क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सेक्शन ए से सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करवाया आपको। इसमें हमने पूरा ग्रामर सेक्शन देखा, रीडिंग सेक्शन देखा था, राइटिंग सेक्शन देखा। आपको इनके क्वेश्चंस इनके आंसर बहुत अच्छे से करने हैं, ये आपको हाफ ईयरली की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी पैसेज भी इसमें कवर की गई हैं, पूरा ग्रामर सेक्शन भी मैंने आपको बताया, ऐसे बताया था, तो आप इन्हें एक बार जरूर कर लें। इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, ताकि इसका पार्ट टू में आपको इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे से। तो आपको बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं वीडियो डालूँ, तो आपको जल्द ही इसका पार्ट टू मिलेगा जिसमें आपको फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।